नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने कृषि के बारे में जानते हुए भारत में उगाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की कृषियों और उनको उगाने की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय के बाकी अन्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वे बिंदु कौन कौन से हैं। आज के इस अध्याय में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, भूदान ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है तथा इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। 1960 से 70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाया गया था और कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई। हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति भी इसी युग में आई, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा आग इत्यादि के लिए फसल बीमा के प्रावधानों और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य बैंकों की स्थापना की गई। इसके अलावा भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया है, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। कृषि में फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन आदि के विकास को प्रोत्साहित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भूदान ग्रामदान की। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था। उन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था जताई थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार वे जब आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करेंगे और उन्हें जमीन मुहैया करवाएंगे। इसी बीच अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। दोस्तों, इसे ही भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदार जो गाँव के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीनों को गांव देने की पेशकश की। इसे ही ग्रामदान कहा गया।
दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि यदि कृषि में गिरावट होगी तो बाकी कृषि से संबंधित अन्य उद्योगों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई है। साथ ही बागवानी विकास और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। हमारे देश के कुछ प्रदेश, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके अंतर्गत बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं को प्रदान किया है। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। दोस्तों, भारतीय उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर। परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे अनेक हकदार लोग जो गरीब हैं बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से भारत के गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। गरीबी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले वैश्वीकरण को जानते हैं। वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव है। अर्थात वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। दोस्तों, 19वीं सदी में जब यूरोपीय भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के अनेक देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। वर्तमान समय में चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर जोर देना होगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन छोटे जोतों पर खाद्यान्नों के अलावा अन्य लाभदायक फसलों को उत्पादित करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जानी चाहिए, लोगों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जिसके कारण छोटे किसान भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में चर्चा की, भूदान और ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा
तथा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।